करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारा हर मंथ में टोटल कितनी सेल हुई है और कौन से मंथ में कितनी हुई है। तो वैसे तो इसको हम हर तरह से किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, सिनेरियो मैनेजर का यूज़, मैनेजमेंट का काम इसमें आप किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, ऐसे टीम लीडर को कैसे डिवाइड करना है और किस तरह से टीम लीडर आप ऐड करके उसके अंदर टीम के मेंबर्स के नाम आएंगे, या अब इसी तरह से मैंने कहा मुझे अलग अलग मंथ की सैलरी देखनी है, ठीक है, सेल देखनी है अलग अलग मंथ की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से डाटा में क्लिक किया और यहाँ से व्हाट इफ़ एनालिसिस में क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिनेरियोस मैनेजर में क्लिक कर दिया, ऐड किया और यहाँ पे मैंने कहा मुझे जनवरी की देखनी है। जनवरी लिखने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद जिसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमने ऐड कर दिया, उसकी जो भी टोटल सेल की हुई है वो हमने ऐड करते गए। फिर यहाँ से मैंने ऐड किया और इस तरह से क्या हो रहा है, फैब की देखनी है तो ओके करते हैं यहाँ से, अब फैब की डाल देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से ऐड कर दोगे, फिर इस तरह से मार्च की टोटल कितनी सेल हुई है तो मार्च की सेल डाल दी, फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इस तरह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सीधा ही अब ओके कर दिया। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है, जनवरी की देखनी है, तो जैसे मैं जनवरी में क्लिक करते ही शो करूँगा तो ये हमें जनवरी का दिखाई दे रहा है। फिर फेब का देखना है तो शो करते ही ये देखो फेब का दिखाई दे रहा है। फिर जैसे ही मार्च में क्लिक करेंगे तो शो करते ही मार्च की टोटल सेल दिखाई दे रही है, और अप्रैल का क्लिक करके शो करके देखोगे तो ये अप्रैल का सेल हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी हम ऐड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि हमारा टोटल सेल कितना हुआ है, समझ गए। और अगर इसकी आपको समरी देखनी है तो समरी में क्लिक करके ओके करेंगे तो इसकी समरी दिखाई देगी। तो ये देखो, ये जनवरी का दिख रहा है, फरवरी का है, मार्च का है, या अप्रैल का है, ठीक है। इसमें एक्चुअली वो स्टार्टिंग में